नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना वायरस के 44 नए मामले सामने आए। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, वहीं 44 और लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में मृतकों की संख्या 5,130 पर स्थिर है, जबकि कुल मामले बढ़कर 3,47,498 हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,42,157 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं, जबकि 211 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल 50,683 नमूनों की जांच की गई। इस अवधि में सिर्फ रांची से 28 संक्रमित मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। झारखंड में 15 अगस्त को राज्य के 33 पुलिस कर्मियों और अफसरों को वीरता के लिए मिलेगा पुलिस पदक, जारी हुई सूची। झारखंड पुलिस के 33 अफसरों और कर्मचारियों को इस साल वीरता के लिए पुलिस पद दिया जाएगा। इसकी घोषणा पुलिस मुख्यालय की तरफ से कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन 15 अगस्त के दिन उन्हें यह पद देंगे। सभी चयनित पुलिसकर्मियों को 12 अगस्त तक रांची एसएसपी को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। झारखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ शामिल है। इन जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में से कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा आदि जिले इसमें शामिल है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि मानसून का टर्फ लाइन अमृतसर, देहरादून, बरेली, गोरखपुर, पटना और अरुणाचल प्रदेश होते हुए गुजर रहा है। वहीं बिहार और उससे सटे उत्तर प्रदेश के 4.5 किलोमीटर के इलाके में एक चक्रवात बना हुआ है। एक उत्तर दक्षिण टर्फ बिहार झारखंड से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके तक फैला हुआ है। इसका भी असर झारखंड पर देखने को मिल रहा है। आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटे में राज्य में मानसून समान रहा। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा 48.4 मिलीमीटर रामगढ़ में हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में शीघ्र भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद, जानिए सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि वे कुलपतियों के साथ बैठक कर नियुक्ति में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर करें, ताकि छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री गुरुवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कॉलेजों में लाइब्रेरी की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने सारे कॉलेजों में लाइब्रेरी की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए संचालन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन करने तथा छात्र छात्राओं की मांग के अनुरूप पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन देश के अन्य राज्यों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा के विभिन्न माध्यमों का आकलन करें, ताकि यहाँ के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। झारखंड के 44 प्रखंडों में वीडियो नहीं, विकास योजनाओं पर पड़ रहा है असर। झारखंड के 44 प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी है ही नहीं, इसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। पलामू और पश्चिमी सिंहभूम जिले के 9-9 प्रखंडों में वीडियो नहीं है, जबकि गढ़वा के 7 और पूर्वी सिंहभूम के 5 प्रखंडों में पदाधिकारियों का अभाव है। 24 में से 14 जिले इन पदाधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। ग्रामीण विकास सचिव ने क्रामिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखकर 44 पदाधिकारियों की सेवा ग्रामीण विकास विभाग को कराने का अनुरोध किया है। 3 महीने बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी, अब कमरे में तलाशी जा रही है साक्ष्य।
तीन महीने बाद भी साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा त्रिकी की आत्महत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। स्वजन आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है और अब तक पुलिस को जांच में हत्या के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। साक्ष्य एकत्र करने के लिए रूपा के कमरे की फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने एक बार फिर से जांच की है। रांची से आए फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बुधवार को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी त्रिकी के कमरे की जांच की। टीम ने कमरे की लंबाई चौड़ाई नापी, चारों ओर से फ्लैट देखा, छत पर भी टीम गई। रूपा त्रिकी मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग उसके स्वजन कर रहे हैं। उसके साथ एसडीपीओ राजेंद्र दुबे, जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी सुनील कुमार भी मौजूद थे। अन्नपूर्णा देवी का होगा भव्य स्वागत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रही है झारखंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंच रही कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी का भाजपा भव्य स्वागत करेगी। 16 से 19 अगस्त तक बकायदा जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर उनका स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों से गुजरने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि अन्नपूर्णा देवी 15 अगस्त को कोडरमा पहुंचेगी और 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्राद्ध सुमन अर्पित कर जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड में चौकसी बढ़ी, सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व झारखंड में पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि इस राष्ट्रीय महापर्व पर कोई अनहोनी ना हो सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने, होटल लॉज में संदिग्धों पर नजर रखने, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। पिता की मैयत में शामिल होने हनवारा आ रहे अब्दुल का परिवार हादसे का शिकार, 5 की मौत। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में अपने पिता की मौत के बाद मैयत में शामिल होने लखनऊ से आ रहे अब्दुल अजीज के परिवार के 5 सदस्यों की कार दुर्घटना में मौत हो गई। सिरसी गांव में पिता के शव को सपुर्द एक खाक करने आ रहे पुत्र अब्दुल अजीज सहित परिवार के 7 में से 5 सदस्यों की लखनऊ हाईवे में मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक हुआ कि दुर्घटनाग्रस्त कार को गैस कटर से काट कर शव को बाहर निकाला गया। लखनऊ हाईवे पर नगर थाना क्षेत्र के कटिया गांव के पास उक्त हादसा हुआ। कार से एक ही परिवार के 7 सदस्य लखनऊ से झारखंड के गोड्डा जिला के आ रहे थे। हादसे में उक्त परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कार चालक बुरी तरह घायल हो गया। कार पर सवार एक किशोरी सुरक्षित है। लखनऊ पुलिस ने कार से सभी शवों को बाहर निकाला। 14 वर्ष की किशोरी और चालक बाल बाल बच गए। दुमका अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने गुरुवार को रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के सभागार में कैंप कोर्ट का आयोजन कर 17 ग्राम प्रधान को नियुक्त करने का आदेश पारित किया। रामगढ़ प्रखंड में 60 ग्राम प्रधान की नियुक्ति का मामला कई साल से लटका हुआ था। इसी के समाधान के लिए गुरुवार को रामगढ़ प्रखंड में कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान 17 गाँव के ग्राम प्रधान को नियुक्त किया। अनुमंडल पदाधिकारी ने दोबारा 20 अगस्त को कैंप कोर्ट आयोजन करने की घोषणा की है। इस कैंप कोर्ट में सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। रामपुर हाट से पाकुड़ नई दिल्ली तक चलाएं ट्रेन, सांसद ने कहा। राजमहल सांसद विजय कुमार हंसदा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रामपुर हाट से पाकुड़ भागलपुर होते हुए नई दिल्ली तक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की है। सांसद ने रेल मंत्री का हावड़ा रेल मंडल अंतर्गत पाकुड़ साहिबगंज लूप रेल लाइन की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन आज भी उपेक्षित है। जनजातीय बाहुल इस इलाके में विकास की रफ्तार धीमी है। इस रेल मंडल में हावड़ा के बाद सबसे अधिक राजस्व माल ढुलाई के रूप में रेलवे को पाकुड़ स्टेशन से प्राप्त होता है। इसके अलावा पाकुड़ से साहिबगंज के बीच तिलभिट्टा, बरहरवा, तीन पहाड़, महाराजपुर और सकरी गली स्टेशन पर पत्थर लोडिंग से करोड़ों रुपए की आमदनी हर माह रेलवे को हो रही है। सांसद ने कहा कि रफ्तार के इस दौर में पाकुड़ से साहिबगंज की लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे में तय करती है। बीच के स्टेशनों में स्वच्छ और शीतल पेयजल तथा अत्याधुनिक प्रतीक्षालय की कमी के वजह से आम जनता को काफी कठिनाई से जूझना पड़ता है। सांसद ने कहा कि रेल मंत्री ने उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो में सड़क हादसे में युवक की मौत। मालवाहक ऑटो ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही मौत। युवक जा रहा था ससुराल।
जरीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगाजोरी के डोमान नाला के तीन मुहाने चौक के पास गुरुवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मालवाहक ऑटो की टक्कर से हुआ। टक्कर के बाद ऑटो सड़क पर पलट गया और उस पर लोड मछली का जीरा यानी छोटी मछली सड़क पर बिखर गई। युवक अपने ससुराल जा रहा था और इसी बीच सामने से आ रहे ऑटो ने टक्कर मारी। इधर घटना के बाद ऑटो को मौके पर ही छोड़ ड्राइवर भाग निकला। मृतक की पहचान कसमार थाना क्षेत्र के सोनपुरा के पिरवाटांड निवासी धीरन उर्फ धुरिन सिंह के रूप में की गई। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। जिले से होकर गुजरेगी रांची संबलपुर फोरलेन सड़क, डीसी ने कहा। उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के अंचलाधिकारियों संघ अंचला अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। डीसी ने बैठक में बताया कि भारतमाला सड़क परियोजना के तहत संबलपुर से सिमडेगा होते हुए रांची तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत सर्वे का कार्य किया जा चुका है। माइनिंग एवं फॉरेस्ट एरिया से भी फोर लेन सड़क गुजरेगी। उक्त सड़क में वाहनों का परिचालन तेज गति से होगा। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए फोर लेन सड़क का होना अत्यंत आवश्यक है। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत सिमडेगा जिले से होते हुए रांची तक सड़क निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से भू अर्जन से संबंधित मामले पर सहमति कराते हुए निर्धारित तिथि को मुआवजा की राशि का वितरण कराने का निर्देश दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।